Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video we studied about properties of determinant, their application and product of determinant and two sub problems. So today we will do the more problems on determinant and row elementary operation. Okay students, let's start the chapter. Thank you. So friends, without expanding prove that this determinant value is equal to 0. मतलब वो determinant value का 0 prove करेंगे without expanding. Okay? तो कल जब properties हम सीखे थे, वो properties करके हम वो problem solve करेंगे. तो देखो, अभी तक मेरा जो पहला video अभी तक नहीं देखे, उनको देखना चाहिए. Contents of the theory and formula of determinant matrix in also available under playlist of determinant matrix. Okay? तो जो नहीं देखे, उनका I button में लिख दे दूंगा. तो वीडियो देखने के बाद वो देखने से ही समझ में आएगा. ओके, तो देखिए सॉल्व करेंगे. तो देखो दिस डिटरमिनेंट वैल्यू 0 प्रूव करना चाहिए, तो इरेज कर रहा हूं. क्वेश्चन लिख दीजिए. देखो हमको कैसे प्रूव करेंगे. देखो पहले 1 1 1 ए बी सी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कर देंगे बीच में, देन 1 1 1 ए बी सी then BC, CA and AB. ओके, तो प्रॉपर्टी था हमारा जो कि बीच में माइनस आने से हम दो डिटरमिनेंट को अलग कर सकते हैं, इसे रो में भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बताया था कल. ओके, तो इसको यूज करके हम वो दोनों वो एक डिटरमिनेंट को दो पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो देखो अच्छे से नेक्स्ट स्टेप जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 1 1 1 ABC then a square b square c square. Okay, then देखो इधर b c c a a b उस टाइप का एक प्रॉब्लम किए थे. तो क्या करेंगे, उधर a मल्टीप्लाई करेंगे, उधर b मल्टीप्लाई करेंगे, उधर c मल्टीप्लाई करेंगे, तो a b c बन जाएगा. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, a b c डिवाइड बाय a b c. ओके, करने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा. 1 b c a then 1 c a b. ओके, एबीसी एबीसी कर दिया तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा. तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे हम. देखो देखो देन वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन 1 1 1 एबीसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, देन क्या करेंगे, 1 बाय एबीसी. देखो ए को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया कि नहीं. तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा ए ए स्क्वायर एबीसी, समझ में आया. देन बी को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो में, तो बी बी स्क्वायर सी ए बी. ओके, देन सी को थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे सी सी स्क्वायर, देन बन जाएगा सी ए बी. ओके, तो इसी टाइप के मल्टीप्लाई करने हैं. तो हमारा एक प्रॉपर्टी था कि जो भी एक स्केलर को एक ही रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से हम फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई किए, सेकंड रो में बी मल्टीप्लाई किए, थर्ड रो में सी को मल्टीप्लाई किए हैं. ओके, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 1 1 वो डिटो से रह जाएगा. ओके, देन क्या करेंगे, इधर एबीसी 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 सेम है ना, उसको फिर से कॉमन निकाल देंगे. तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से एबीसी कॉमन निकाल दे. उसके बाद दो बचा हुआ 1 1 बचा हुआ ना, बी बी स्क्वायर 1 C C स्क्वायर 1. ओके, देखो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे क्या होगा, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ओके, उसके बाद 1 बन जाएगा, कट जाएगा. तो इधर क्या करेंगे, देखो उसका सेम लाना है, डिटो से करने से क्या होगा ना, काट सकते हैं, वो 0 बन जाएगा. ओके, तो चेंज इंटरचेंज C2 C3, मतलब C2 C3 को इंटरचेंज कर देंगे. ओके, दो कॉलम को इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, देखो A B C 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ओके, तो एक प्रॉपर्टी था जब भी हम एक कॉलम और दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा. ओके, तो एक साइन बदल देंगे हम, तो माइनस कर देंगे. ओके, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 1 1 1 a b c a square b square c square. देन क्या करेंगे,
फिर से वो सेम लाने के लिए इंटरचेंज C1 एंड C2 कर देंगे, C1 C2 इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक था माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद फिर एक माइनस है क्योंकि हम चेंज किए हैं C1 टू C2, तो बन जाएगा देखो 1 1 1 ABC A² B² C² तो उधर में देखो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, उसके बाद वो कट जाए कर सकते हैं, तो रेट्रोग्रेड सेम है ना कर सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर 0 हो गया। तो इसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा सारे प्रॉब्लम है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट का फ्रेंड्स, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो प्रूव करेगा देखो किसे एक्सपेंडिंग बिना ना करके, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा थोड़ा अच्छा से देखो फ्रेंड्स, जब हम 19 से 18 माइनस करेंगे 1 बन जाएगा, देन 18 से 17 माइनस करने से भी 1 बन जाएगा, तो डिटो सेम करेंगे रो टू रो माइनस करने से वो दो ठो रो 1 बन सकता है, ओके। तो इसके हिसाब से हम माइनस करेंगे देखो कैसे बन जाएगा, तो करेंगे रो टू टेंस टू रो टू माइनस रो थ्री, रो टू को रो थ्री में माइनस करेंगे इन प्लेस ऑफ रो टू को पुट कर सकते हैं, ओके। तो एक प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से और एक माइनस करेंगे आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन, मतलब रो थ्री माइनस रो वन को माइनस करेंगे, तो देखो क्या बनता है 58 97, ओके। देन आ जाएगा 19 माइनस 18 क्या बन जाएगा 160 माइनस 59 1 99 माइनस 91 91 बन जाएगा, देन 18 माइनस 17 159 माइनस 58 198 माइनस 797 1 बन जाएगा, ओके। तो दो ठहरो सेम हो गया सिमिलर, ओके समझ में आया, तो दो ठहरो सिमिलर होने से उसका वैल्यू 0 होता है, ओके। हमारा प्रॉपर्टी था जो भी दो ठहरो कॉलम या दो ठहरो रोस जब सेम हो जाएगा, ओके आइडेंटिकल हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 प्रूफ हो गया बाय द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट विदाउट एक्सपेंडिंग इज इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग ना करके, ओके। देखो तो प्रॉपर्टी यूज करके कैसे करेंगे देखो थोड़ा, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से देखो, x प्लस है बी सी सेम है ना, तो तीन ठो रो में देखो जो भी है वो सब टर्म्स ऐड करने से वो सेम बन जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, ओके। तो बन जाएगा देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन बन जाएगा बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस ए, देन बन जाएगा सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, देन वी कम फॉर बी एक्स प्लस सी एंड ए सी ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, समझ में आया। देखो वो फर्स्ट कॉलम सब सेम हो गया, फर्स्ट कॉलम में जो जो एलिमेंट है पूरा सेम हो गया, तो हम कमन निकाल सकते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कमन निकालने से वो बन जाएगा 1 1 1 बी एक्स प्लस सी ए देन सी ए एक्स प्लस बी दैट इक्वल टू 0। मैं प्रीवियस क्लास में बोला था कि हम जो भी विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करने करेंगे पहले क्या करना चाहिए कि जो भी रो या कॉलम को 1 1 1 बनाना चाहिए, ओके। तो हम बना दे एक कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को 1 1 1 बना दे, तो उसके बाद माइनस कर सकते हैं, देखो कैसे माइनस करेंगे, वो बन जाएगा R1 टेंस टू R2 माइनस R3 R2 टेंस टू R2 माइनस R3, वो R2 कर देंगे और n टेंस टू R2 माइनस R1 माइनस R2, ओके R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा देखो फ्रेंड्स, तो हमारा कॉमन जो हो लिख देंगे x a प्लस बी प्लस सी, ओके। उसके बाद माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, नेक्स्ट b माइनस x प्लस सी, ओके b माइनस x प्लस सी
माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा डी माइनस एक्स माइनस ए, उसके बाद बन जाएगा सी माइनस ए। ओके देन देखो नेक्स्ट स्टेप, वन माइनस वन जीरो बन जाएगा, आर टू माइनस आर थ्री, देन एक्स प्लस सी माइनस ए बन जाएगा, एक्स प्लस सी माइनस ए, लास्ट स्टेप बन जाएगा ए माइनस एक्स प्लस बी, तो ए माइनस एक्स माइनस बी बन जाएगा। ओके उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसको सेम लग देंगे, उसका कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके तो हमारा बन गया नेक्स्ट स्टेप। ओके नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो वो बन जाएगा कॉमन, क्या निकला था, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू हमारा क्या आया था जीरो, तो उसको एक्सपांड कर देंगे डायरेक्टली और कुछ नहीं, तो एक्सपांड करने के लिए तो वन एक्सपांड करेंगे सिर्फ, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट जीरो है, तो एक्सपांड करने से वो सिर्फ वही वन को ही एक्सपांड करना है, वो दोनों एक्सपांड करने से उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ओके तो वन का सिर्फ एक्सपांड करेंगे, वन को एक्सपांड करने से वो बन जाएगा बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स सॉरी बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स माइनस बी। ओके उसके बाद बन जाएगा माइनस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए। ओके तो इसे बन जाएगा, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो इज इक्वल टू जीरो। ओके थोड़ा रेस्ट कर देंगे, देन देखो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू बन जाएगा क्या, उसको सॉल्व करेंगे बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस, देन सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ओके तब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, देन दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, देन यू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके तो डू इट योर सेल्फ। ओके प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स सारा प्रॉब्लम करेंगे, सॉल्व विदाउट एक्सपेंडिंग इज इक्वल टू जीरो, तो देखो कैसे करेंगे, सो सेम होगा तो था ना, एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस सी सेम होगा, तो क्या करेंगे सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर देंगे, तो बन जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री, तो समझ में आया, एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, वो भी एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, देन वन प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, दोनों सब बाकी सब लिख देंगे इसे इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स प्लस थ्री कॉमन निकाल देंगे, जैसे मैं पहले बोला था वन 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 प्लस एक्स वन 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 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो समझ में आया, तो गो फॉर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, सी वन टेंस टू सी सॉरी आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री। ओके तो क्या करेंगे, तो एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा जैसे था, तो वन माइनस वन जीरो बन गया, वन माइनस एक्स समझ में आया, वन माइनस एक्स तो माइनस एक्स बन जाएगा, यूरोप में ट्राई करो, वन माइनस एक्स तो वन वन कट जाएगा माइनस एक्स आए बन जाएगा। ओके देन वन माइनस वन फिर से जीरो, उसके बाद वन माइनस वन जीरो, देन वन प्लस एक्स माइनस वन एक्स बन जाएगा, देन वन माइनस एक्स बन जाएगा। ओके तो उसके बाद तो थर्ड रो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम नहीं किए, उसके बाद एक्स प्लस थ्री इंटू सिर्फ देखो वो एलिमेंट को एक्सपांड करेंगे, वो दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा, तो वन को एक्सपांड करने से हमारा बन गया सो इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ओके सॉरी तो इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इंटू जीरो एक्स सॉरी एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो बन गया एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो।
So minus x square is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So x is equal to 0 or x is equal to minus 3. So in this way we can find out without expanding the value of x. Okay. So please note it down, friends. Next, friends, aur ek problem karenge without expanding proof this question. Okay. तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे तो मैं इरेज कर रहा हूं प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स देन बन जाएगा हमारा एबीसी कॉमन निकालना पड़ेगा तो एबीसी था ना पहले तो एबीसी को कॉमन निकालते हैं कैसे निकालेंगे देखो फ्रेंड्स एक ही रो या कॉलम को 1 1 बनाएंगे एबीसी कॉमन निकाल लेंगे तो वो करना चाहिए तो क्या करेंगे उधर देखिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा टाइम एग्जाम में आता रहता है थोड़ा से देख लीजिए तो क्या करेंगे देखो इधर a कॉमन निकाल दीजिए तो बन जाएगा 1 plus 1 by a समझ में आया कि नहीं ऐसे लिख दो फिर 1 by a plus 1 बन जाएगा ओके a कॉमन निकालने से ऐसे क्यों किया कि x राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए 1 by 1 plus 1 plus 1 by a था ओके इसके लिए उसको कॉमन निकाल दिया तो इस तरह हम कॉमन निकाल सकते हैं a into 1 by a कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं a into 1 by a समझ में आया उसके बाद देखो इधर b into 1 by b कर सकते हैं b कॉमन निकालने से 1 by b plus 1 बन जाएगा इधर c सॉरी b into 1 by b कर सकते हैं इन दिस सिमिलर वी कैन राइट c into 1 by c c into 1 by c देन उसके बाद c कॉमन निकालने से बन जाएगा 1 by c plus 1 ओके उसके बाद देखो फर्स्ट रो में a कॉमन जाएगा सेकंड रो में b कॉमन जाएगा थर्ड रो में c कॉमन जाएगा तो बचा हुआ लिख देंगे तो इधर बचा हुआ है 1 plus 1 by a इधर 1 by a इधर 1 by a सेकंड रो में बचा 1 by b 1 by b plus 1 थर्ड रो में तो इधर बचा है 1 by b थर्ड रो में बचा है 1 by c हां 1 by c देन बचा है 1 by c plus 1 ओके तो ऐसे बचा हुआ है ओके देन इनको फॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कर देंगे c1 टेंड्स टू सॉरी r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देंगे क्योंकि देखो क्या होता है करने से a b c आ जाएगा देन करेंगे 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c समझ में आया कि नहीं वो तीन स्टेप सेम हो गया हो जाएगा ओके उसके बाद करेंगे देखो 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 बन जाएगा ओके तो इसे थर्ड स्टेप बन जाएगा 1 by a 1 by b 1 by c plus 1 ओके तो फ्रेंड्स वो थोड़ा अच्छे से वो सेट लिख देना वो प्लेस नहीं है ओके उसके बाद देखो 1 by b 1 by b plus 1 then 1 by b इधर बचा है 1 by c then 1 by c plus 1 बचा हुआ है ओके वो थोड़ा अच्छे से लिख देंगे दिखे दे रहे हैं देखो इधर बचा है 1 by b इधर बचा है 1 by b plus 1 इधर बचा है 1 by b तो नीचे 1 by c then 1 by c plus 1 ओके तो सी का मान निकालना है तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो नेक्स्ट देखो एबीसी कॉमन था एबीसी लिख दिए हैं उसके बाद देखो टेकिंग कॉमन फ्रॉम आर1 इतना तो 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी को आर1 से कॉमन निकाल देंगे तो बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी को कॉमन निकालने से वो बन जाएगा देखो 1 1 1 1 by b 1 by c plus 1 1 by b 1 by c 1 by c 1 by c plus 1 ओके तो ऐसे बन जाएगा ओके तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा a b c बचा हुआ इधर देन 1 by a 1 by सॉरी 1 by b 1 by c हो गया उसके बाद उसको क्या करेंगे 1 1 है ना तो उसको माइनस कर देंगे मैं पहले बोल चुका हूं तो करो c1 टेंड्स टू इधर कर देंगे c1 टेंड्स टू c1 - c2
C2 tends to C2 minus C3 कर देंगे, ओके? तो करने से क्या हो जाएगा देखो, 1 minus 1 0 बन जाएगा, then 1 by B minus 1 by B plus 1, तो 1 by कट जाएगा, minus 1 बचेगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ओके? उसके बाद 1 minus 1 0, 1 by B minus करने से 1 बचेगा, 1 by C से 1 by C minus minus 1 करने से बचेगा minus 1, ओके? तो थर्ड कॉलम को ऐसे ही लिख देंगे, समझ में आया कि नहीं? वो हम ऑपरेशन किए हैं इस तरफ, इस तरफ ऑपरेशन किए, C1 tends to C1 minus C2, C2 tends to C2 minus C3 ऑपरेशन किए हैं, ओके? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, और उसके बाद जाएंगे हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना है देखो, तो सिर्फ वो रो को ऑपरेशन कर देंगे, वो ऑपरेशन करने से एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करने से सिर्फ 4 निकालना है, क्योंकि वो दोनों 0 हो जाएगा, ओके, 0 इनटू समथिंग 0, 0 इनटू समथिंग 0, सिर्फ 4 रो को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने से देखो क्या हो जाएगा, हम जो कॉमन निकाला था वो पहले लिख देंगे, ABC into 1 plus 1 by A, 1 by B plus 1 by C, ओके, तो 1 को एक्सपैंड करने से वो बन जाएगा देखो, वो कट जाएगा, minus 1 into 1, minus 1, 1, then 0 into 1, 0, ओके, उसके बाद ABC, 1 by 1 plus A, 1 by B, 1 by C, कट जाएगा, then 1 into 1, 1, ओके, तो हमारा प्रूफ था इतना, तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर दें, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एग्जाम में अदर टाइम आता है, तो प्लीज नोट इट डाउन, ओके, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस, ओके, तो ए बी सी इनटू ए माइनस बी इनटू बी माइनस सी इनटू सी माइनस ए प्रूव करना है, तो अच्छे से देखो, तो फर्स्ट रो में देखो ए बी सी ए है ना, उसको कॉमन निकाल देंगे, फर्स्ट रो में टेकिंग कॉमन ए, देन सेकंड रो में बी कॉमन निकालेंगे, थर्ड रो में सी कॉमन निकालने से बन जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी सी एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, समझ गए उतना ही, उसके बाद माइनस कर देंगे, r1 tends to r1 minus r2, R2 tends to R2 minus R3, इसका दो बन जाएगा देखो, 1 sorry 1 minus 1 0, A minus B, then बन जाएगा sorry इधर A common निकाल दिया था ना, वो बचा है A square C square, तो बन जाएगा A square minus B square, then 1 minus 1 0, B minus C बचाएगा B square minus C square, then 1 C C square, okay? इसके बाद नेक्स्ट कट करेंगे देखो, तो वो ए बी सी जैसे कमन था कमन निकाल देंगे, उसके बाद देखो उसका ऐसे बना देंगे 0 ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन इधर बी माइनस सी बचे, देन बी माइनस सी इंटू इधर बी प्लस सी हो जाएगा, उसके बाद 1 सी C स्क्वायर, ओके, देन ए बी सी कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट रो में फिर से a माइनस b कॉमन निकाल सकते हैं, जीरो से जो भी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो से और दो एलिमेंट में a माइनस b है, तो a माइनस b फर्स्ट रो से कॉमन निकाल देंगे, सेकंड रो में b माइनस c कॉमन निकाल देंगे, ओके, देन वो बन जाएगा 0 1 a प्लस b, इधर बन जाएगा 0 1 b प्लस c, अंदर बन जाएगा 1 सी सी स्क्वायर, ओके, उस रो को एक्सपेंड करेंगे, एक्स रो को एक्सपेंड करने से वो दो एलिमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो दो एलिमेंट 0 है, तो ओनली 1 को एक्सपेंड करेंगे, तो जो नीचे कॉमन दिए हैं उसको लिख देंगे b - c, देन 1 को एक्सपेंड करने से बन जाएगा 1 into b plus c, b plus c, then minus 1 into a plus b, minus a plus b, ओके, इसके बाद ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो करने से सॉल्व करने से बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ओके, तो बी भी काट सकते हैं, उसके बाद ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बन जाएगा सी माइनस ए, ओके,
हमारा प्रूफ इतना था, तो आंसर आ गया. प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट दिस एबीसी. ओके, तो क्या करना चाहिए, जब एलिमेंट को 0 1 बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे. तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3. ओके, R2 प्लस R3 को प्लस करेंगे, देन R1 से माइनस करेंगे. ओके, करने से वो देखो कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा B प्लस C माइनस B प्लस C, समझ में आया. ओके, देन A माइनस C प्लस A प्लस C. ओके, उसके बाद वो बन जाएगा A प्लस B, सॉरी A माइनस B प्लस A प्लस B. ओके, उसके बाद जो टर्म को इसे लिख देंगे B C प्लस A B C C A प्लस B. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, देखो तो B प्लस C ये कट जाएगा, देन A A कट जाएगा, A कट जाएगा, देन बचेगा इधर 2C. ओके, तो इधर क्या कट जाएगा, A माइनस A कट जाएगा, इधर बचेगा, तो इधर माइनस 2C हो जाएगा, इधर माइनस 2B बन जाएगा. ओके, उसके बाद जो टर्म को इसे लिख देना है C प्लस A B, देन C C A प्लस B. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो से माइनस टू कॉमन निकाल देंगे, तो बन जाएगा 0 C 0 C B, देन B C प्लस A B. ओके, देन C C A प्लस B. ओके, तो बन गया. देन उसके बाद हम एक्सपांड कर लेंगे माइनस टू C को, जब एक्सपांड करेंगे तो वो माइनस C बन जाएगा, तो माइनस सी इंटू, तो वो निकल गया, वो कट जाएगा, देन बी इंटू ए प्लस बी सी माइनस सी इंटू बी. ओके, देन इसमें प्लस बी को एक्सपांड करेंगे तो बन जाएगा बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए. ओके, तो उसके बाद देखो माइनस टू इधर माइनस सी, तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी बी. ओके, देन प्लस बी इंटू बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी. ओके, देन माइनस टू इंटू करने से वो माइनस ए बी सी हो जाएगा, देन माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, इधर बन जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी. ओके, देन देखो माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी कट जाएगा, देन सी स्क्वायर बी कट जाएगा, देन उधर माइनस टू इंटू माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस टू ए बी सी दैट इक्वल टू 4 ए बी सी. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, हमारा प्रूफ आ गया. देखो फ्रेंड्स, आज हम किए हैं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करके हम 4-5 का प्रॉब्लम किए हैं. तो जो बुक का प्रॉब्लम है आप खुद घर में ट्राई करो. जो भी नया है मुझे व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो उसके बाद मैं उसको लेकर एक और एक वीडियो बनाऊंगा. ओके, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन पीरियड में सब बच्चे उस वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.